हैदर, जब से पाकिस्तान से भारत आई है उसके प्रेग्नेंट होने की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सीमा के बारे में एक नया दावा किया जा रहा है, आखिर उस दावे का सच क्या है? एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई है? क्या सीमा ने बेटी को जन्म दिया है? क्या सचिन पहली बार पापा बन गया है? ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर पांचवी बार मां बन गई है, यानी सचिन मीणा भी बाप बन गया है। सोशल मीडिया पर जो सीमा की नई तस्वीर वायरल हो रही है वो ये है और इसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि सीमा मां बनी है। सीमा हैदर पहले से ही चार बच्चों की मां है और जिन्हें वो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान पहुंची हैं। चार बच्चों सचिन मीणा के परिवार के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन सीमा के एक बार फिर से मां बनने को लेकर तरह तरह की बातें होना भी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि सीमा हैदर अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उसके साथ एक नवजात बच्ची भी दिखाई दे रही है और इसी बच्ची को सीमा हैदर की पांचवी संतान बताया जा रहा है। सीमा के प्रेग्नेंट होने की खबरें काफी समय से चल रही थी, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन अब सीमा की बच्ची के साथ नई फोटो आने के बाद अब चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। तस्वीरों में लिखा है, बेटी हुई है बधाई नहीं दोगे? कई लोग तो कमेंट करके बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई तरह की खबरें तैरती हैं, उनमें से कुछ में सच्चाई होती है लेकिन ज्यादातर खबरें फेक भी निकलती हैं। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को पता चला कि तस्वीर असली नहीं, फोटो एडिटिंग टूल्स की मदद से किसी और महिला के चेहरे पर सीमा का चेहरा लगाया गया और तस्वीर को फेमस करने के लिए वायरल किया गया। तो इस तरह सीमा को मां बनने की खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में हैं। कोई दोनों की लव स्टोरी को सच्ची मानता है तो ऐसे भी लोग हैं जो दोनों का भारी विरोध करते हैं। किसी को ये झूठ तो किसी को ये भ्रमित करने वाला लगता है। भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, भले ही दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन सचिन और सीमा सोशल मीडिया पर अपने लगातार वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। दोनों का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सीमा घर की छत में कपड़ों को सुखाते हुए दिखाई दे रही हैं। वो सचिन को छत पर कपड़े सुखाने के लिए बुलाती हैं। सचिन को वो मीणा जी कहकर बुलाती हैं। ये सुनकर सचिन छत पर आने लगता है। मीणा जी, हेलो, आजा आप, तो आजा मीणा जी। सीमा हैदर को भारत आए लंबा वक्त हो चुका है। इसी साल मई के महीने में वो अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए नोएडा पहुंची। यानी सीमा करीब पाँच महीने से भारत में रह रही है और तभी से ये दावा किया जा रहा है कि सीमा पाँच महीने से प्रेग्नेंट है। सीमा की बीच बीच में तबीयत खराब होने की खबरें भी सामने आई थी। रघुपुरा में भी इस बात की चर्चा आजकल आम है। सीमा ने भारत सरकार से यहाँ की नागरिकता देने की गुहार लगाई। इसके पीछे सीमा ने ये दावा किया कि उसने सचिन से नेपाल में शादी की और अब भारत में ही रहना चाहती है। उसने सनातन धर्म अपना लिया है और वो भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो क्या सीमा की प्रेगनेंसी के पीछे कोई चाल हो सकती है? क्या बच्चे के जन्म के बाद उसे आसानी से नागरिकता मिल जाएगी? क्या बच्चा होने के बाद सीमा का भारत में रहना आसान हो जाएगा? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जन्म के आधार पर सीमा और सचिन के बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि साल 2004 के बाद अगर माता पिता में से कोई एक भारत का है और दूसरा अवैध तरीके से भारत आया हो तो उसके बच्चे को जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।